दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में गांव डबुआ में स्थित एक निजी स्कूल में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई, जिससे स्कूल संचालक के दो बच्चों और पत्नी की मौत हो गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है, खासकर उन अभिभावकों में जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे। आग की यह घटना सुबह 7 बजे की है और अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन यह हादसा 3 लोगों की जिंदगी लील ले गया। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह 7 बजे डबुआ के ANDकॉन्वेंट स्कूल की इमारत में अचानक आग लग गई और स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर रह रहे स्कूल संचालक के परिवार के दो बच्चे और एक महिला आग की चपेट में आ गए।